वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन को लेकर। जी हाँ गाइस, जैसे आप अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करते हो एंड इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करने के बाद प्रोफाइल पे आते हो, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पर आपको टॉप कॉर्नर में मिलता है थ्रीलाइन, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर थ्रीलाइन पे क्लिक करके सेटिंग एंड प्राइवेसी पे आते हो, उसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आते हो। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है अकाउंट स्टेटस। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर आप देखिए आपका मोनेटाइजेशन यहाँ पर आपको डिसेबल दिखाता है, फिर यहाँ पर इनएलिजिबल शो करता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ पर आपको वार्निंग का सिंबल शो करता है, यानी कि यहां पर आपको ये वार्न करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं मोनेटाइजेशन पे क्लिक करता हूं, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, उसके बाद यहां पर आप देखिए यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, यानी कि यहां पर ये आपको बोलता है यू आर करंटली अनेबल टू मोनेटाइज, यानी कि आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। साथ ही यहां पर आपको ब्रांडेड कंटेंट के सामने यहां पर आपको क्लोज का आइकन शो करता है, यानी जो आपका ब्रांडेड कंटेंट होता है वो भी आपका इनएलिजिबल रहता है। साथ ही यहां पर आपके पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में यहां पर आपको दो वायलेशन देखने को मिलते हैं। आप यहां पर देखिए, आप यहां पर रिक्वेस्ट ए रिव्यू पे क्लिक करते हो, यहां से कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इतना आता है, फिर उसके बाद यहाँ से आप मतलब कुछ नहीं कर पाते हो, ठीक है। और साथ ही गाइस यहाँ पर एक चीज हो रही है, जैसे आप इसको बैक करते हो, बैक करने के बाद यहाँ पर आप प्रोफाइल पे आते हो, प्रोफाइल पे आने के बाद जैसे आप यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है ब्रांडेड कंटेंट। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ब्रांडेड कंटेंट भी आपका इनएलिजिबल रहता है, ठीक है। साथ ही आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हो सेम इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, वही शो करता है यूर करंटली अनेबल टू मोनेटाइज, यानी कि आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। वही आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में यहाँ पर आपको दो वायलेशन शो करते हैं। अब ये प्रॉब्लम है क्या, कैसे आपको उसको फिक्स करना है, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं जानेंगे। तो छोटा सा वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है मैं इस चैनल पर आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो गाइस देखिए, मैं सबसे पहले इसको बैक करता हूं एंड आपको मतलब इसको प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है वो तो हम जानेंगे, बट उससे पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं, आखिर इंस्टाग्राम पर अगर आपका अकाउंट मोनेटाइज नहीं रहता है, यानी अगर आपका मोनेटाइजेशन या फिर आपका ब्रांडेड कंटेंट इनएलिजिबल शो करता है, तो इससे आपके अकाउंट को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या फिर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ब्रांडेड कंटेंट का यूज क्या है, इंस्टाग्राम मोनेटाइज होने के बाद इंस्टाग्राम आपको पैसा कैसे देता है, कुछ ही सेकंड में आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भाई आखिर कैसे आपको अपने ब्रांडेड कंटेंट को इनएलिजिबल से एलिजिबल करना है, ठीक है। साथ ही जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में दो वायलेशन शो कर रहे हैं ना, इनको कैसे आपको फिक्स करना है। साथ ही आपको अपने अकाउंट स्टेटस में जहां पर आपका मोनेटाइजेशन शो करता है उसमें जो मतलब वार्निंग का सिंबल शो कर रहा है, कैसे आप उसको ग्रीन कर सकते हो, ठीक है, यानी आप अपने मोनेटाइजेशन को ऑन कर सकते हो। तो इसके लिए मतलब आपको अलग अलग चीजें नहीं करनी पड़ेगी, कुछ सिंपल से स्टेप है जो कि आपको फॉलो करने हैं एंड आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। बट उससे पहले यहां पर मैं इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन को लेकर आपके कुछ डाउट क्लियर कर देता हूं। तो गाइस देखिए, जब कभी भी आप इंस्टाग्राम पर नया अकाउंट बनाते हो, ठीक है, अगर आपका मतलब कोई ओल्ड अकाउंट होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए अपना सेकंड अकाउंट स्विच कर लेता हूं। सबसे पहले यहां पर आप इस अकाउंट को देख लो, ये जो अकाउंट है इस अकाउंट पर 35 फॉलोअर्स है, ठीक है। एंड अगर आपके दिमाग में चीज आ रही है कि इंस्टाग्राम पर हमारे 100 फॉलोअर होने चाहिए, फिर 1000 फॉलोअर होने चाहिए तभी हमारा अकाउंट मोनेटाइज होगा, भाई ऐसा मतलब इसका कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है, आपका मोनेटाइजेशन ऐसे ही ऑन हो जाता है, बस यहाँ पर आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये तो आप समझिए कि यहाँ पर इसका फॉलोअर से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले अपना सेकंड अकाउंट स्विच करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना सेकंड अकाउंट को स्विच कर लेता हूँ। ये रहा हमारा सेकंड अकाउंट, मैंने इसको स्विच कर लिया। एंड जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर थ्रीलाइन पर क्लिक करते हैं। थ्रीलाइन पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आते हैं। जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा अकाउंट स्टेटस। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देखिए मेरे इस अकाउंट का मोनेटाइजेशन तो होने, साथ ही जैसे मैं यहाँ पर मोनेटाइजेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे ऊपर की तरफ तीन टूल्स दिखा रहा है, ठीक है, जिनकी मदद से मैं इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है ब्रांडेड कंटेंट। जी हाँ गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्रांडेड कंटेंट ही देता है इंस्टाग्राम, चाहे आपके 10 फॉलोअर हो, 20 फॉलोअर हो, उसका कोई भी फॉलोअर से लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो करने लग जाता है एंड आपके अकाउंट पर 10,000 फॉलोअर हो जाते हैं, उसके बाद आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन, फिर ऐसे आपको मिलता है गिफ्ट, और भी मतलब काफी सारे फीचर है जो इंस्टाग्राम आपको पैसा कमाने के लिए, आप इनको टूल्स भी बोल सकते हो, ये मोनेटाइजेशन के टूल्स है, ठीक है, यानी आप इन सब टूल्स की मदद से इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकते हो। लेकिन जो सबसे पहला है वो है ब्रांडेड कंटेंट। लेकिन काफी लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ब्रांडेड कंटेंट से पैसा कैसे कमाया जाता है। तो गाइस देखिए, अगर आपको पता नहीं है कि इंस्टाग्राम पर ब्रांडेड कंटेंट होता क्या है, इसको लेकर मैंने मतलब पहले भी वीडियो बनाया, लेकिन यहां पर मैं आपको ब्रांडेड कंटेंट से पैसा कैसे कमाया जाता है कुछ ही सेकंड में बता देता हूं, ठीक है। गाइस देखिए, ब्रांडेड कंटेंट जो है मतलब कुछ इस तरह से वर्क करता है, यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं। मैं सिंपली प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आते हैं। जैसे कि आपके अकाउंट पर 5 या 10 हज़ार फॉलोअर हो गए, ठीक है, एंड आपके अकाउंट पर अच्छे खासे व्यूज आने लग गए, तो अब आप क्या करते हो, आप सिंपल यहां पर ब्रांडेड कंटेंट पे आते हो पैसा कमाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर आपको मिलता है रिक्वेस्ट अप्रूवल फ्रॉम ब्रांड पार्टनर। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मतलब काफी सारे ब्रांड को यहाँ पर आपको सर्च करना होता है, जैसे कि मतलब काफी सारी कंपनी होती है, फिर आपकी मतलब पहले से डील अगर हो रखी है किसी भी कंपनी से, तो अगर आपको मतलब किसी भी कंपनी के साथ जिससे आपने मतलब पैसे लेकर वीडियो बनाया, अगर आप उसके साथ कोलैब करना चाहते हो, या फिर आपको कंपनी ऐसा बोले कि आप मतलब हमारे साथ कोलैब करो, साथ ही यहाँ पर आप
पेड पार्टनरशिप का लेबल भी लगाओ। तो आपको यहाँ पर करना क्या होता है, आप सिंपल यहाँ पर उस कंपनी का अकाउंट सर्च करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अपना अकाउंट सर्च कर लेता हूँ, या फिर आप यहाँ पर जोमेटो सर्च कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर जोमेटो का प्रमोशन मिलता है, फिर आपको मतलब जिसका मिलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जोमेटो आ गया, मैं सिंपल यहाँ पर रिक्वेस्ट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट पर क्लिक कर दूंगा, रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम गो बैक पर क्लिक करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर जोमेटो वालों के पास रिक्वेस्ट चली जाती है। ये कंपनी क्या करेगी, आप यहाँ पर देखिए मैं इसको बैक करता हूँ, मैंने इसको बैक कर दिया, वो कंपनी भी ब्रांडेड कंटेंट में ही आकर अप्रूव कंटेंट क्रिएटर पर क्लिक करेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे काफी सारे बंदों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करी है, ठीक है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि आखिर ब्रांडेड कंटेंट का यूज क्या है, इसीलिए रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जैसे मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड की जोमेटो वालों के पास, सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, वो सिंपली मेरी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे एंड मेरे अकाउंट को चेक करेंगे, एंड अगर उनको लगता है कि इस बंदे से हमें वाकई में फायदा हो सकता है तो वो क्या करेंगे, वो सिंपली हमारी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे। एंड अप्रूव करने के बाद मैं मतलब उनसे मतलब जो भी पैसा वगैरह लेना होगा मैं पैसे लेके वीडियो बना दूंगा। जैसे वो कंपनी मुझे यहाँ से अप्रूव कर देगी, अप्रूव करने के बाद जैसे ही मैं इंस्टाग्राम पर रील वीडियो अपलोड करने के लिए जाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम क्लिक करता हूँ, रील पर क्लिक करता हूँ, रील पर आने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी एक रील वीडियो ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप इसको रील समझ लो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मुझे मिलेगा पार्टनरशिप लेबल एंड एड्स का ऑप्शन, ठीक है। तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एड पेड पार्टनरशिप लेबल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं जोमेटो को ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं जैसे इसको ऐड कर दूंगा एंड उस रील वीडियो को अपलोड करूंगा, तो वहाँ पर जो है ना कुछ इस तरह से शो करेगा, ठीक है। यानी जितने बंदे उस रील वीडियो को देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे ने जोमेटो वालों का प्रमोशन किया है, साथ ही जोमेटो वालों को भी उस रील्स का मतलब कुछ एक्सेस मिल जाएगा, जैसे कि वो उस रील वीडियो को बूस्ट कर सकते हैं, कुछ पैसा लगा के और ज्यादा लोगों तक दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड इससे कहीं ना कहीं मतलब आपके अकाउंट को और भी प्रमोशन मिलते हैं, और भी कंपनी आपसे प्रमोशन वगैरह कराती है, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ तभी होता है जब आपका ब्रांडेड कंटेंट इलिजिबल होता है, ठीक है। अगर आपका ब्रांडेड कंटेंट इलिजिबल होता है तो भाई ऐसे में आप पेड पार्टनरशिप का लेबल नहीं लगा सकते, ठीक है, जब तक वो आपका इलिजिबल नहीं हो जाता। ये तो आप सुनिए कि ब्रांडेड कंटेंट होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, कैसे हम इससे पैसा कमाते हैं, यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे आपको इसको इनइलिजिबल से इलिजिबल करना है, यानी कैसे आपको अपने मोनेटाइजेशन को ऑन करना है, ठीक है। तो भाई देखिए उसको ऑन करने के लिए करना क्या होगा, आपको सिंपल इसको बैक कर देना है, एंड मैं सबसे पहले इस अकाउंट को यहां से हटा देता हूं, मैं आपको उस अकाउंट पर लेकर चलता हूं जिस अकाउंट पर मेरे ब्रांडेड कंटेंट इनएलिजिबल शो कर रहा है, क्योंकि इस अकाउंट पर अगर आप देखोगे तो भाई इस अकाउंट पर तो ब्रांडेड कंटेंट मेरा इलिजिबल शो कर रहा है। मैं जैसे यहां पर ब्रांडेड कंटेंट पर क्लिक करता हूं तो यहां पर ये मेरा इलिजिबल है। अब यहां पर मैं सबसे पहले उस अकाउंट को स्विच कर लेता हूं एंड मैं आपको बताऊं भाई कैसे आपको अपने मोनेटाइजेशन को ऑन करना है। तो यहां पर आप देखिए मैं सिंपली इस अकाउंट को स्विच कर लेता हूं, मैंने इस अकाउंट को स्विच कर लिया, हम इस अकाउंट पर आ गए। हमने कुछ ही दिन पहले इस अकाउंट को बनाया था, हमने इस अकाउंट पर काफी रील्स को डाला भी हुआ है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहां पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आएंगे। जैसे हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आ जाएंगे उसके बाद यहां पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको करना क्या होता है, आपको सिंपली ब्रांडेड कंटेंट पैन होता है। जैसे आप ब्रांडेड कंटेंट पे आते हो आपका यहां पर इनएलिजिबल शो करता है, एंड ये जो है ना भाई कहीं ना कहीं नए अकाउंट पर ही इनएलिजिबल शो करता है, ठीक है। यानी जो पुराना अकाउंट हो जाता है, यानी 3 से 4 महीने पुराना या फिर 6 महीने पुराना, उस पर ही आपका इलिजिबल ही रहता है। तो अगर आपका इनएलिजिबल शो कर रहा है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपने अपना अकाउंट कब बनाया था। अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट 3 महीने पुराना हो चुका है तो भाई ऐसे में आपको वो ट्रिक लगानी है, जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अकाउंट को अभी 3 महीने नहीं हुए, यानी आपको 1 से 2 महीना ही हुआ है, तो भाई ऐसे में ही आपका इनएलिजिबल ही रहता है, ठीक है। क्योंकि इंस्टाग्राम चेक करता है कि बंदा मतलब कितना ज्यादा एक्टिव है, साथ ही मतलब रील्स वगैरह भी अपलोड कर रहा है या नहीं, पोस्ट भी डाल रहा है या नहीं, स्टोरी वगैरह भी लगा रहा है या नहीं, ठीक है। यानी जितना आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहोगे उतनी जल्दी आपका इलिजिबल हो जाता है। ये तो आप सुनिए कि इसका मतलब ये कुछ क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आपका यहाँ पर 3 महीने से ज्यादा हो गया लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका इनएलिजिबल शो कर रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में आपको करना क्या है। तो भाई देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सिंपली अपने ब्रांडेड कंटेंट का सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर आपको इसको बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको आना है अपनी प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पर आपको थ्रेड पे क्लिक करना है। थ्रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है एंड आपको जाना है अकाउंट स्टेटस पे। जैसे आप अकाउंट स्टेटस पे आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपका मोनेटाइजेशन के सामने वार्निंग का सिंबल शो कर रहा होगा, तो आपको करने गए आपको इस वाले इंटरफेस का भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर आपको करने गए आपको सिंपल इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको हेल्प पे क्लिक करना है। जैसे आप हेल्प पे क्लिक कर दोगे, हेल्प पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा रिपोर्ट प्रॉब्लम टॉप में, तो आपको करने के भाई आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मिलता है सेक फोन टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको करने के आपको सिंपल इसको डिसेबल करना है एंड आपको सिंपली रिपोर्ट प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली इंक्लूड एंड कंटिन्यू करना है। जैसे आप ये कर देंगे अब ये ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट ले लेता है, तो आपको करना क्या है आपको सिंपली इन स्क्रीनशॉट को हटा देना है। जैसे आप ये स्क्रीनशॉट हटा देंगे उसके बाद आपको सिंपली अपलोड पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले स्क्रीनशॉट पे क्लिक करता हूँ, ये ऐड हो गया। फिर उसके बाद फिर से अपलोड पे क्लिक करेंगे एंड जो सेकंड स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट है इसको भी यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। दो स्क्रीनशॉट हो गए हमारे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ कुछ मैसेज लिखना है इंस्टाग्राम को, या फिर यहाँ पर आप रिपोर्ट भी बोल सकते हो। जैसा कि आप देखते हो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अगर आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट लेकर गूगल स्कैन से आप इसको स्कैन कर लेना, कॉपी कर लेना, वहां से कॉपी करके वहां से आप इसको पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक कर दोगे, सेंड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको वेट करना है 24 आवर्स से लेकर 48 आवर तक। यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, यानी आपका अकाउंट का जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन हो जाएगा। सो आई होप कि आपकी सब कुछ में आ गया हो भाई, कैसे आपको अपने मोनेटाइजेशन को ऑन करना है, फिर ब्रांडेड कंटेंट को इनएलिजिबल से एलिजिबल करना है, साथ ही ये होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, सब कुछ मैंने आपको वीडियो में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपका अब भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।